हम सब ने मिलकर टीम लाइफस्टाइल का इंग्लिश चैनल खोला है और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको हिंदी समझने में कठिनाई है। नमस्कार दोस्तों, आप ये चौंका देने वाले फैक्ट्स देखिए। इंडिया में एक इंसान लगभग 70 साल जीता है, पाकिस्तान में एक इंसान 67.33 साल जीता है, चाइना में एक इंसान लगभग 76.6 साल जीता है और हुंजा वैली के लोगों की एवरेज लाइफ है 110 से 130 साल और कोई कोई इंसान यहाँ पर 160 साल भी जी लेता है। यानी कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान इन सब से लगभग डबल, दो गुना ज़्यादा। इसके कारण बहुत सारे हैं जो कि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता। पहला कि यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का यूज़ बिल्कुल नहीं होता, यानी कि यहाँ पे एप्पल सही मायनों में एप्पल ही है। दूसरा, यहाँ पर प्लास्टिक बैग्स बैन है। तीसरा, यहाँ पे इंडस्ट्रीज का कीचड़ नदियों में नहीं मिलता, साफ हवा, साफ पानी। चौथा, जो आज का हमारा टॉपिक है, हुंजा टी। तो चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। डॉक्टर बिस्वरूप ने अपनी नॉलेज से हम सबको बहुत सारे तोहफे दिए हैं, जैसे कि DIP डाइट, हॉस्पिटल इन अ बॉक्स, और उनमें से एक है हुंजा टी। हुंजा टी चाहे हुंजा सिविलाइजेशन बहुत पहले से पी रही हो, लेकिन आपके और हमारे लिए अस्तित्व में ही तब आई जब डॉक्टर बिस्वरूप ने उसे हाईलाइट किया, वरना हम सब लोगों को शायद पता ही नहीं चल पाता। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हुंजा टी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रीडियंट्स चाहिए। पहला है तुलसी के पत्ते, दूसरा इलायची, तीसरा पुदीना, चौथा है दालचीनी, फिफ्थ इंग्रेडिएंट है अदरक और आखिरी चीज़ है गुड़, जो कि ऑप्शनल है। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल 6 चीज़ें हैं। तो अब जानते हैं कि हुंजा टी को बनाना कैसे है। मान लेते हैं आपको 4 कप टी बनानी है, तो हम आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ कितनी कितनी लेनी है वो बता देते हैं। और दोस्तों, आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तो आप हमारी हुंजा टी पीते हुए देखने वाले हैं। एक पैन में आपको डालना है 4 कप पानी, 8 तुलसी के पत्ते, 4 इलायची, 12 पुदीना के पत्ते, 2 ग्राम दालचीनी, पाउडर हो तो और भी बेटर है, 20 ग्राम अदरक, कुटी हुई अदरक आप ले लीजिए, 20 ग्राम गुड़, जो कि डॉक्टर बिस्वरूप ने अपनी वीडियो में बताया है लेकिन अपनी वेबसाइट पर नहीं लिखा है, तो अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या कम गुड़ ले सकते हैं। और लास्ट चीज़, पॉजिटिविटी और खुशियाँ स्वाद अनुसार। अब इन सबको आप बॉईल कर लें और करीब 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें और बस रेडी हो गई हुंजा टी। लेकिन अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, आपको अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट काम करना है जो कि बेहद बेहद ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफ के लिए, और वो है अपनी बची हुई टाटा टी किसी को दे दें। ऐसा क्यों करना है ये जान लेते हैं, क्योंकि आज तक आप लोगों को इधर उधर से यही सुनने में आया है कि सुबह की चाय सेहतमंद होती है। दोस्तों, आप डॉक्टर बिस्वरूप पे विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? ऑब्वियसली करते हो, क्योंकि उनका एक एक शब्द साइंस बेस्ड होता है। डॉक्टर बिस्वरूप ने अपनी वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि अगर आपको मेरी सारी बातों में से एक बात माननी है तो वो है स्टॉप कंज्यूमिंग टी, स्पेशली मॉर्निंग टी, यानी कि चाय, खासकर सुबह की चाय आपको नहीं पीनी है। और ये सिर्फ डॉक्टर बिस्वरूप ही नहीं, बहुत सारी स्टडीज भी यही कहती हैं, क्योंकि रात भर आपका स्टमक खाली होता है और मॉर्निंग टी आपकी इंटेस्टाइन की वॉल्स को एसिडिक कर देती है। और ये मेरा अगला सेंटेंस जो बोलने वाली हूँ, ये तो जग जाहिर फैक्ट है कि अगर आपका रेगुलर बेसिस पे पेट एसिडिक रहता है तो वो सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस का, जैसे कि आर्थराइटिस, डायबिटीज एक्सेट्रा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और आप हमारा बैकअप चैनल द रेबेलियस फ्लावर को देख सकते हैं, उसमें राजीव दीक्षित जी और डॉक्टर बिस्वरूप की बेहतरीन वीडियोस का कलेक्शन मौजूद है। अगर आप ध्यान की दुनिया में उतरना चाहते हैं या फिर आप या आपका कोई मित्र या कोई परिवार में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसे परेशानियों से जूझ रहा है, तो आपको निश्चिंत होकर बस द ओनली वन कम्यून से जुड़ना है और उनके मेडिटेशन सेशंस और प्रोग्राम अटेंड करना है जो कि स्पेशली डिज़ाइंड है इन चीज़ों के लिए, और अपनी ज़िंदगी अपनी आंखों के सामने आप बदलते हुए देखेंगे। उनका नंबर और वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। जल्द मिलते हैं दोस्तों, तब तक आप इन वीडियोस को देखकर अपनी जानकारी बढ़ाएं
और दोस्तों ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।